पकवान एक नई किरण नए उम्मीद नए राधो के साथ मैं सही राधा अभी एक बार फिर आपको माँ बेटे के पकवान में इस्तकबाल करती हूँ। सब मम्मा का इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। और जी जनाब, क्या हो रहा है? अदा आप सुनाएं। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक। अदा आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बहुत मसरूफ जा रहे हैं हम। सॉरी गाइस कि मैं हम लोग आप लोगों को एक दो दिन से हमने वीडियो नहीं डाली। बिल्कुल सॉरी, आलू की कत्तियों के बाद से अदा हमने वीडियो नहीं डाली है, तो उसकी वजह भी आपको पता है। हम लोग को घर मिल गया। बिल्कुल, खैर से हमारा घर फाइनल हो चुका है, तो बस ये इसी वीक में हमारा शिफ्टिंग का हो जाएगा और इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर ज़रूर दिखाएंगे। जैसे ही उस घर में एंट्री करेंगे, अपनी एंट्री से पहले आपको ज़रूर घर दिखाएंगे, और जो कि आपका बनता है क्योंकि आप लोगों ने हमारे लिए दुआ की है और अल्लाह का शुक्र है ये उसी का ही फल मिला है हमें। और आप भी तो हमारी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली। बिल्कुल। और जी अदा, और सुनाए आपकी तबीयत कैसी है? जी दोस्तों मैं बताऊं, ठीक है अदा, दो दिन से अदा की तबीयत ठीक नहीं थी। अदा को टेम्परेचर था और अदा की तबीयत जरा सेट नहीं थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अदा सेट है। और जी जनाब अदा, आज हम क्या बना रहे हैं? बातें बहुत हो गई। बिल्कुल, बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो आज हम बना रहे हैं चुकंदर गोश्त। बिल्कुल, आज हम बना रहे हैं चुकंदर। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लेकिन हम फिर भी बना रहे हैं और बहुत मजेदार रेसिपी है अदा, ये बहुत मजेदार रेसिपी है। ठीक है अदा, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और हमने गाइस यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए हुए, हम जैसे जैसे डालते रहेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। हाँ, क्योंकि सॉरी इस वजह से नहीं बताए हुए क्योंकि थोड़ा सा शिफ्टिंग का वो हो रहा है, सामान सारा पैकिंग की तरफ है, लेकिन हम फिर भी खैर से अपने दोस्तों के पास आ गए हैं आप लोगों को बताने के लिए। दो दिन हो गए थे आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई थी इस वजह से, लेकिन अगर फिर भी कल हम वीडियो नहीं डाल सके या नेक्स्ट टाइम वीडियो नहीं डाल सकते नेक्स्ट डे, तो फिर हम डालेंगे अपने नए घर में भी। इंशाल्लाह हम फिर भी बीच में कोशिश करते रहेंगे, हम कुछ ना कुछ करते रहें, आप लोगों से जुड़े रहें, आते रहें, आपको बताते रहें कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ मसरूफ हैं। और जैसे ही हम फ्री होंगे फिर तो रोज वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और डालेंगे। तो मिनट का तो इंट्रो ही होगी तो जी अगर बताना भी तो था ना अपने दोस्तों को कि हम कहाँ मसरूफ थे इतने दिन से। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, फाइनली चलते हैं अदा अपनी रेसिपी की तरफ। सो यार गाइस, यहाँ पर हमने पैन लिया है, पैन में हमने ऑयल डाला, ऑयल कढ़ाई ली है, नहीं मम्मा इट्स पैन लिया है, पैन नहीं लिया, कढ़ाई लिया है। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है, ऑयल हम प्याज डाल दिया, हम प्याज को गोल्डन करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम हल्का सा इसको गोल्डन करेंगे, उसके बाद मैं बताती हूँ हम क्या करेंगे अभी। तो यहाँ पे हमारी प्याज गोल्डन हो गई है, गोल्डन हो गई है। अदा इस स्टेज पे हम ये डालेंगे मसाले अपने खड़े, बड़ी दालचीनी एक अदद, जीरा थोड़ा सा, दो लौंगे, तेजपात दो छोटे वाले, और बड़ी इलायची थी अदा, आपने मुझे बताया नहीं, मैंने नहीं था, आपने बता दिया, बड़ी इलायची थी, बड़ी इलायची को मैं दालचीनी बोल गई, आप कहाँ गुम हुई हुई हो। तो जी इतनी देर में हमारे प्याज हो जाएंगे, हम इसमें ये डाल देते हैं अपने मसाले और इसके साथ इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही ये डालेंगे इसके एक दो मिनट बाद हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। डांसिंग। ठीक है, लहसुन डाल के हम इसे हल्का सा सोते करेंगे। उसके बाद हमने 3 से 4 टमाटर लिए हुए हैं, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कहीं लग ना जाए हमारा मसाला। ठीक है, ठीक है। और जी अदा, आजकल क्या मसरूफियत चल रही है? पैकिंग और पैकिंग, और घर उल्ट हुआ हुआ है, उल्ट हुआ हुआ है वजह से। कोई नहीं, इंशाल्लाह यही वीक है था, फिर इंशाल्लाह सब अच्छा अच्छा होगा खैर से इंशाल्लाह। सो अब हम इसमें डाल रहे हैं कुछ मसाले, जिसमें है ये, इसमें है नमक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड टर्मरिक पाउडर। ठीक है, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसका मसाला अच्छे से भून लेंगे। किस तरह भूनेंगे? तो मैंने आपको मसाला भूनने की अपनी क्या टेक्निक बताई हुई है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरीके से भूनना है ना, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के नहीं, इसमें पानी डाल के टमाटरों को अच्छे से अच्छा वह वाली, अब टमाटर मैश करने वाले। बिल्कुल हाँ करेक्ट, क्या करेक्ट,
नहीं सही बोला बिल्कुल आप बताओ तो सही कर रहा है। नहीं मामा ने बताया है कि इसमें हमने पानी डालना और इसको हम कवर करके रख देंगे और फिर उठाएंगे और टमाटर को अच्छी तरीके से भुनेंगे और ऐसे हमारा मसाला भुनेगा है ना मामा। बिल्कुल ऐसे आपका नहीं हाँ इसका मसाला भुन जाएगा। कितना प्यारा शक्ल आया इसका। हाँ वाह। तो जी जनाब ये हो गया डन। अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। किसको चुकंदर को अच्छा लगता है वो लाइक करे वीडियो, जिसको नहीं अच्छा लगता वो भी लाइक करे क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है गाइस। देखिए हमारा घर शिफ्ट हो रहा है, सारे पैकिंग में लगे हैं, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। वाह है ना मामा। बिल्कुल सब हम इसको कवर कर देंगे और टमाटर को बॉइल्ड होने देंगे। से गाइस यहाँ पर टमाटर मैश हो गए हैं, बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है। बिल्कुल ऐसा यम्मी सा मसाला बन गया इसका जबरदस्त सा बेहतरीन। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन। अब हम चिकन की भुनाई करेंगे। बिल्कुल हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई। तो अब हम रीकैप करें मम्मा। हाँ बिल्कुल आप रीकैप दो इसका। सो सबसे पहले हमने ऑयल लिया, ऑयल में हमने प्याज डाली, प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया। गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमने उसमें कुछ खड़े मसाले डाले, लौंग डाली हमने उसमें, बड़ी इलायची डाली, उसमें जीरा डाला दो, हमने दालचीनी डाली थी उसमें और बस हाँ तेज़पात दो डाले थे छोटे वाले वो डाले थे। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। फिर हमने इसमें डाला था टमाटर डाले, उसमें टमाटर डालने के बाद हमने उसमें कुछ वो डाले थे मतलब स्पाइसी डाले थे। हाँ उसमें थे रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट एंड कोरिएंडर पाउडर, वो डाला, उसको मिक्स करा और अच्छी तरीके से टमाटर को भून लिया। फिर उसमें चिकन डाल दिया और अब चिकन की भुनाई हो रही है। बिल्कुल चिकन की हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। ठीक है कितने देर लगेगी हमें इसको तकरीबन। बेटा बस ये जब तक इसका पानी नहीं खुशक हो जाएगा ना, चिकन जो पानी छोड़ती है भुनाई के टाइम वो खुशक कर लेंगे। तकरीबन 5 से 7-8 मिनट लगेंगे। अच्छे से भुनाई कर लेते हैं हम इसकी अब। ठीक है यम्मी मम्मा ये तो कोरम का टाइप शक्ल आई हुई इसकी। बिल्कुल ये भुन गया अच्छी तरीके से। ठीक है आए आए अब हम इसमें डाल रहे हैं। मेरी बात बेटा सॉरी रिस्क कभी भी ऐसे नहीं। हाँ बिल्कुल पता हर बात का होता है लेकिन फिर जरूर करना होता है डांट खाने वाली बात। सारी सारी। और जी हमने ये चुकंदर डालेंगे इसमें। गाइस अब हम इसमें चुकंदर डाल रहे हैं और चुकंदर को हमने कद्दूकस किया हुआ है। ठीक है चुकंदर हमारी है ऐसी। सॉरी गाइस मेरी मम्मा से मुझे अभी डांट पीटी है। बहुत बुरी बात है, रिस्क को इस तरह कभी भी नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अल्लाह मियां अगर नाराज हो गए ना आपसे, आप इस रिस्क के लिए आप तरसोगे। सॉरी अल्लाह से सॉरी बोलो बेटा। सॉरी अल्लाह ताला। चलो अच्छा जी ये हमने इसमें डाल दिया है और अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करेंगे। चुकंदर ना पानी छोड़ेगी क्या? बिल्कुल चुकंदर भी पानी छोड़ेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम कवर करके रख देंगे। ठीक है ठीक है 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, के चिकन भी गल जाए और चुकंदर भी गल जाए। ठीक है ठीक है। कलर देखो कितना खूबसूरत आ रहा है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, हाफ कप से भी कम। ठीक है वैसे गाइस ये है रेड ब्लैटिश कलर बट इसमें ये कुछ रेड हल्का वाला आ रहा है ना मामा। बिल्कुल। सो अब हम इसको कवर कर देंगे और चिकन के पकने तक इसको अच्छी तरीके से इसको क्या कर लेंगे, इंतजार करेंगे इसका। अच्छा ठीक है कवर करके ना मम्मा। हाँ जी बिल्कुल कवर करके हम इसको रख देंगे। गाइस यहाँ पर हमारे चुकंदर गल चुके हैं है ना मम्मा। बिल्कुल अभी हम चेक करते हैं। ओए ओए और तकरीबन अदा हो चुके हैं। हाँ। इसमें देखो कितना पानी छोड़ दिया हमने, बहुत थोड़ा सा पानी डाला था, कितना पानी छोड़ दिया है ये देखो। हाँ जी ठीक है अब इसकी हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे बहुत अच्छे से। चुकंदर गल चुके हैं, चिकन भी हमारा गल चुका है, तो अब हम इसकी भुनाई करते हैं। बिल्कुल और मैं आधा एक बात आपको और बताऊं, ये अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो पहले बीफ को गला लें अच्छी तरह। ठीक है ठीक है। चुकंदर डालने से पहले आप बीफ को गला लें और फिर चुकंदर ऐड करिएगा, सही है ना। ये हम चिकन थे, चिकन तो आपको पता है फौरन हो जाता है, तो चिकन और चुकंदर हमने दोनों एक साथ ही गला लिए। बीफ हो गया या मटन हो गया
आप पहले थोड़ा सा गला लें और हल्की सी जब बीफ या उसमें कसर रह जाए मटन में तो तब आप चुकंदर उसमें ऐड करके फिर चुकंदर के साथ जो कसर उसमें हल्की सी रह गई है तब आप गला लें। पूरा प्रोसीजर रेसिपी का यही रहेगा, टाइमिंग चेंज होगी बस थोड़ी सी गलाने वलाने की। ठीक है, अब हम इसकी अच्छे से वो भुनाई कर लेते हैं। ठीक है तो जी जनाब, जब तक वहाँ पे भुनाई हो रही है और हम यहाँ पे मैं और अदा कर रहे हैं टी टाइम, और टी टाइम के साथ बनाए हैं फ्रेंच टोस्ट अदा ने, और ये हम टी टाइम में ले रहे हैं। हमने कहा साथ साथ आपको ये भी दिखा दें कि हमारा टी टाइम भी साथ साथ चल रहा है जी। और बहुत ज़बरदस्त सी अदा ने चाय बनाई है, आप कलर देख सकते हैं इसमें, और टोस्ट भी बहुत ज़बरदस्त बनाए हैं अदा ने, बेहतरीन। तो उधर भुनाई चल रही है, हम चलते हैं अपनी भुनाई की तरफ। और ये देखें इसमें पानी अभी काफ़ी है, इसकी भुनाई होगी अच्छे तरीके से, और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है और बहुत ज़बरदस्त और बहुत फ़ायदेमंद है ये चुकंदर। तो मम्मा इसकी भुनाई हो गई है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल अभी भुनाई हो रही है, उसी के दरमियान हमने गरम मसाला इसमें पाउडर ऐड कर देना है। ठीक है, इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम। सो यार गाइस, यहाँ पर चुकंदर के अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है ना मम्मा? बिल्कुल, भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है और अदा ने टोस्ट बहुत मज़ेदार बनाए हुए हैं, मैं वो भी खा रही थी। और जी जनाब, हंडिया इज डन। सो आज की वीडियो का हम यही पैन करें? बिल्कुल, मैं हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। कर लेते हैं मम्मा। बिल्कुल ठीक है। सो रहता है गाइस, मज़ेदार सा चुकंदर गोश्त तैयार हो गया है। तो आप खाइए, एंजॉय कीजिए, हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको चुकंदर गोश्त। लेकिन अगर सेम यही इंग्रेडिएंट्स है तो बताइएगा गाइस। बिल्कुल, और जी जनाब, बहुत ही झटपट और बहुत जल्दी और बहुत मज़ेदार रेसिपी आपके सामने हाजिर है, और हमें प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर 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 याद रखिएगा। और अब तक के लिए इतना ही गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं नई किरण नई उम्मीद नए आदतों के साथ। माँ बेटी के पकवान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलें क्योंकि हम आपके कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।